What's up guys, I hope you are doing well. I am Veer, welcome to Study Lord Family. तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। दो बातें बोली गई हैं, थोड़ा सा फर्क आप लोगों को नजर आएगा पर लेकिन रियलिटी में बहुत बड़ा फर्क आप लोगों को देखने को मिलेगा अगर इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो। मैं किसी से बेहतर करूंगा, क्या फर्क पड़ता है? मैं किसी का बेहतर करूंगा, बहुत फर्क पड़ता है। अगर आप लोग इस बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे गहराई में जाकर, तो आप लोग रियलिटी में ये देखेंगे कि इस दुनिया में जो भी महान पर्सनैलिटी हुई है वो कभी भी इस पर्पज के लिए फिर इस बेस पर महान नहीं हुई है कि उन्होंने अपनी लाइफ में अपने लिए कितना बेहतर किया है। वो हमेशा महान उस बेस पर बनी है कि उन्होंने अपनी लाइफ में दूसरों के लिए कितना बेहतर किया है। अपने लिए तो हर एक इंसान जीता है, आता है और जीकर चला जाता है, पर लेकिन वो पर्सनैलिटी को याद रखा जाता है जो अपने लिए तो जीता ही जीता है, दूसरों के लिए भी जीकर जाता है। और जितना ज्यादा आप लोग अपनी लाइफ में अचीव करोगे और दूसरों के लिए बांटोगे, दूसरों को दोगे और अपने लाइफ को ऐसा करोगे कि दूसरों की भी हेल्प करने लायक अपने आप को बना पाओगे, तो वही रियलिटी में असली जिंदगी होती है। किसी भी महान पर्सनैलिटी को उठाकर देख लीजिए आप लोग, अगर बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आप लोग समझने की कोशिश करेंगे तो ये देखने को मिलेगा उन्होंने उस सोसाइटी में जिसमें वो रह रहे हैं ह्यूज कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, उस सोसाइटी में काफी ज्यादा उन्होंने पे बैक किया है जो उनको सोसाइटी से मिला है। तो इस तरीके से यही बात यहां पर बोली गई है कि आप लोग अपने लिए तो जो भी करते रहे पर लेकिन उसमें से थोड़ा बहुत टाइम निकाल कर ऐसे भी रखिए कि दूसरों के लिए भी थोड़ा बहुत कुछ सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सके। एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पर बोलूंगा, इससे आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस भी निकल कर आएगा। जो इंसान अपने लिए करता रहता है, अपने बारे में सोचता रहता है, एक टाइम पर आकर वो थक जाता है, उसको ये समझ में नहीं आता है कि यार बस ये जिंदगी ऐसी चलती रहेगी। पर लेकिन जब वो दूसरों के लिए कुछ करने स्टार्ट कर देता है ना, तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। वो इंसान जब किसी और की सक्सेस में अपना कंट्रीब्यूशन देता है और जब सामने वाला जिसकी सक्सेस में उसने कंट्रीब्यूशन दिया है वो सक्सेस होकर उसके सामने आकर बोलता है कि आपकी वजह से मेरी लाइफ में ये चेंज हुआ है या आपकी वजह से मुझे लाइफ में फायदा हुआ है, तो उसकी जो अनुभूति होती है, उसका जो सुख होता है, मैं गारंटी लिखकर आप लोगों को दे सकता हूं किसी चीज के साथ में आप लोग कंपेयर नहीं कर पाओगे। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं, अगर लाइफ में इंप्लीमेंट करके चलोगे तो लाइफ को आप लोगों को जीने का पर्पज भी समझ में आएगा और अपनी लाइफ को एक सही डायरेक्शन देकर आप लोग आगे भी बढ़ पाओगे। ये दो वीडियो आप लोग अगर डेली देख रहे हैं तो आप लोग करंट अफेयर जो है वो आप लोग अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। शानदार तरीके से आप लोग करंट अफेयर डिटेल में विद एक्सप्लेनेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो अच्छे से एंजॉय कीजिए इन दोनों वीडियो को। इसी के साथ में वीकेंड में आप लोगों की रिवीजन की वीडियो आती है, उसको भी अच्छे से आप लोग एंजॉय करते रहिए। टकटकी लगाकर आप लोग ये लेक्चर देखने हैं, स्टार्ट करेंगे आज के इंपॉर्टेंट क्विज के साथ में। इसके बाद में फिर हम लोग लेक्चर में अंदर एंट्री करेंगे। क्वेश्चन आप लोगों के सामने, एक ही क्वेश्चन पढ़िए, इसके बाद में फिर आप लोगों को आंसर मिलेगा वीडियो के अंदर और कई सारी एक्स्ट्रा चीजें भी जानने को मिलेगी। बात की जा रही है यहां पर इम्प्रिंट के बारे में, IMPRINT, इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है क्या है और किस मिनिस्ट्री का ये एक इनिशिएटिव है जिसमें बेसिकली यहां पर एड्रेस किया जाता है जो भी चैलेंजेस हैं उनको प्रॉपर वे में सोसाइटी के अंदर, खासकर ऑल द जो मेजर इंजीनियरिंग चैलेंज है, ठीक है, रिलेवेंट टू इंडिया, तो उनके बारे में हम लोग बात करेंगे, डिटेल में न्यूज देखेंगे और समझेंगे क्या क्या बातें की जा रही है यहां पर। अभी रिसेंटली यहां पर हमारी कंट्री में अफ्रीकन स्वाइन फ्लू देखने को मिला, ठीक है, ये बेसिकली डोमेस्टिक जो पिग है उसमें लगभग 276 के करीब उनकी जान चली गई। कहां पर? यहां पर लुंगली, ये एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट है, नॉर्थ ईस्ट में एक राज्य है उसमें, तो इसका नाम आप लोगों को बताना है कहां पर ये लोकेटेड है। नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड है तो क्वेश्चन बनने के चांसेस एग्जाम में बन जाते हैं क्योंकि ये एरिया एग्जामिनर का फेवरेट माना जाता है नॉर्मली। आगे बढ़ते हैं, यहां पर बात की जा रही है मिलियंस ऑफ जो यूरोज हैं यहां पर सपोर्ट कराने की बात की जा रही है यहां पर क्लाइमेट फ्रेंडली डेवलपमेंट के लिए साउथ ईस्ट एशिया में, तो ये जो यूरो है ये किसके द्वारा यहां पर हेल्प प्रोवाइड कराई जा रही है। अगर आप लोग ये जानते हैं कि यूरो जो है वो करेंसी किस पर्टिकुलर एरिया की है तो भी आप लोग यहां पर एक मोटा मोटा आइडिया लगा सकते हैं। मलेशिया जो है वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट पाम ऑयल प्रोड्यूसर है, ठीक है, आप लोगों को ये बताना है पहले नंबर पर कौन है। अब यहां पर ये जो दो कंट्री हैं ये यूरोपियन यूनियन के खिलाफ अपनी बैटल छेड़ी थी इनके द्वारा ताकि यहां पर जो पाम ऑयल का जो प्रोडक्शन है उसको कंटिन्यू कर सके क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने इनके ऊपर कुछ इस तरीके से प्रतिबंध लगाया कि एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाता है, ठीक है, तो उसी के चलते यहां पर ये न्यूज में था। तो हल्का सा आइडिया आप लोगों को इसके बारे में होना चाहिए। सॉरी, तीन शब्द यहां पर बोले जा रहे हैं, यहां पर तीन शब्द का मतलब आप लोगों को बताना है। पहले शब्द का मतलब है कि साउंड क्रिएटेड बाय नॉन बायोलॉजिकल नेचुरल इवेंट लाइक अर्थक्वेक हो गया या वेव्स हो गई, इनकी वजह से जो साउंड आती है समुद्र के अंदर। दूसरा बोला गया है जो समुद्र के अंदर जो क्रिएचर रहते हैं, इनके मछली हो गया या फिर कोई और भी जिसे कोई कछुआ हो गया, कुछ भी ऐसी जो आवाज निकालते हैं, ठीक है, तो उस आवाज को क्या बोला जाता है। तीसरा, जो ह्यूमन अगर कोई इंटरफेयर करता है जैसे सिप लेकर जा रहा है समुद्र
उनके क्वेश्चन के ऊपर से, तो उसके बारे में अगर बात की जाए तो उस आवाज को क्या बोला जाता है। तीनों को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। बड़ा ही प्यारा आर्टिकल है, जब डिस्कस करूंगा तो आप लोगों को इंटरेस्टिंग चीजें जानने को मिलेगी कि ऐसा भी कुछ होता है। और IQOE इसकी फुल फॉर्म भी आप लोगों को यहां पर बतानी है, जिसका टारगेट है 2015 से लेकर 2025 तक का इन्हीं सब आवाज को समझकर चीजों को आगे लेकर चलना, ठीक है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है हमारी कंट्री में जो ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री है उसके द्वारा अभी रिसेंटली ट्राइबल हेल्थ कोलैबोरेशन, ये यहां पर ये बेसिकली एक लॉन्च किया गया प्रोग्राम, इसका नाम आप लोगों को बताना है क्या है। तो यहां पर ये बेसिकली ट्राइबल की जो कम्युनिटी है उसकी हेल्थ के बारे में बात करेगा, तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे। कौन सा आर्टिकल है हमारे संविधान में मेनली जो कि आप लोगों को गारंटी देता है कि आप लोग एक तरीके से प्रॉपर वे में अपना जो रिलीजन है उसको फॉलो कर सकते हैं, यहां पर फ्री प्रोफेस प्रैक्टिस और प्रोपोगेट कर सकते हैं अपने रिलीजन को, तो ये संविधान में कौन सा आर्टिकल इसके बारे में बात करता है। तो रिसेंटली अभी ये भी न्यूज में था, जानेंगे आखिर ऐसे क्या मुद्दा देखने को मिल रहा है, तो काफी कुछ इंटरेस्टिंग आज हम लोग को यहाँ पर जानने को मिलने वाला है। तो आइए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले यहां पर इंपॉर्टेंट डे हम लोग देखेंगे, इसके बाद में फिर चीजें आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यहां पर अगर बात करते हैं, छोटा सा डे है पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं, हालांकि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी आप लोगों को पता होना चाहिए कोई शब्द ऐसे आ जाते हैं तो क्या है। यहां पर यहां पर बात की जा रही है चागास डिजीज के बारे में। तो ये बेसिकली एक ऐसा, आप लोग यहाँ पर ये पिक्चर देखते हैं, एक ऐसा कीट पतंगा होता है जिसके कई बार यहाँ पर ये काटने से या फिर इसकी वजह से ये डिजीज जो है वो ट्रांसमिट होती नजर आती है। तो इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए 14 अप्रैल को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है ताकि इस बीमारी को रोका जा सके। इसका नाम है चागास, ठीक है। तो ये लैटिन अमेरिका में नॉर्मली देखने को आप लोगों को मिलती है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग मोटा मोटा आइडिया सा रख सकते हैं बीमारी के बारे में, क्योंकि ये भी कई बार यहाँ पर न्यूज में आ जाती है अगर इस तरीके की बीमारी कहीं देखने को मिलती है। तो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट डे है यहां पर ये है 14 अप्रैल। तो 14 अप्रैल को हम लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो भीमराव अंबेडकर जी जो है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप लोग बोलते हैं, क्योंकि इन्हीं के द्वारा पूरा जो संविधान है वो ड्राफ्ट किया गया था। एक महान पर्सनैलिटी आप लोग बोल सकते हैं जिसके बेस पर यह संविधान बनाया गया, और आज की डेट में उस संविधान के बेस पर हमारी कंट्री की नींव टिकी हुई है। तो ये इन्हीं के द्वारा पूरा जो ड्राफ्ट तैयार किया गया था, संविधान का ड्राफ्ट पूरा इन्हीं के द्वारा तैयार किया गया था, ठीक है। इक्वलिटी के ऊपर बहुत बड़ा फोकस इनका दिया गया। ये हमेशा ये मानते थे कि देखिए हर एक इंसान जो है एक तरीके से पैदा होता है, पर लेकिन हम लोग मतभेद कर देते हैं इस धरती पर आने के बाद में कि हाँ ये ऊंची जात का है ये नीची जात का है, तो ये गलत तरीका होता है। तो इन सब चीजों से ऊपर उठकर हम लोग को चलना चाहिए। इसीलिए हमारे संविधान में जो राइट टू इक्वलिटी, फंडामेंटल राइट, ये सारी जो चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है, ये कहीं ना कहीं इनके द्वारा काफी लार्ज स्केल पर उन चीजों को सपोर्ट किया गया। तो यहां पर इनके बारे में बातें आप लोग याद रखते हैं, क्वेश्चन भी बन जाते हैं कई बार इनके ऊपर कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, तो यही थे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन। तो इस तरीके से कुछ बातें भी आप लोग इनके बारे में याद रख सकते हैं। तो एक सैल्यूट करने लायक पर्सनैलिटी है यहां पर, जिनके बारे में आइडिया रखेगा। एक और इंपॉर्टेंट डे है यहां पर इसी के साथ में, ये बात की जा रही है नेशनल डॉल्फिन डे के बारे में। डॉल्फिन एक मछली आप लोगों को देखने को मिलती है हमारी कंट्री के पॉइंट ऑफ से अगर देखा जाए तो, काफी इंपॉर्टेंट ये आप लोग इसको बोल सकते हैं। तो इसके चलते यहां पर नेशनल डॉल्फिन डे सेलिब्रेट किया जाता है हमारी कंट्री में। तो 14 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। डॉल्फिन जो है यहां पर अगर आप लोग इसको देखेगा, ये बेसिकली ये एक तरीके से फ्रेंडली नेचर की बेसिकली इसको देखने को मिलता है। ये हार्मलेस मछली मानी जाती है कई बार, इसको आप लोग उस तरीके से देख सकते हैं, पर लेकिन पोल्यूशन की वजह से, खासकर अगर बात करिए आप लोग आज के डेट में जैसे ब्रह्मपुत्र गंगा रिवर हो गई या फिर जो इंडस रिवर होगी, तो कई बार पोल्यूशन की वजह से इनको कई सारी प्रॉब्लम फेस कर झेलनी पड़ती है। तो इसके चलते ये रहता है किस तरीके से हम लोग इनके बारे में अवेयरनेस फैलाए, और यहां पर कोई भी डे अगर सेलिब्रेट करते हैं ना उसका बेसिक पर्पज ये होता है कि अवेयरनेस फैला जाए ताकि हम लोग उसको बेसिकली प्रॉब्लम को होने से रोक सके, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन इसके बारे में जो मोटा मोटा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। कुछ शॉर्ट न्यूज यहां पर देखेंगे और फिर डिटेल में आप लोगों के सामने न्यूज निकल कर आएगी। कोई कई सारे टॉपिक्स आप लोग बोल सकते हैं एक ही वीडियो के अंदर इकट्ठे आप लोगों को मिल जाते हैं, जिससे कि आप लोग प्रॉब्लम न फेस करनी पड़े, एक ही जगह सारा रिविजन आप लोगों का हो जाए। सबसे पहले बात करें तो हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब है उनके द्वारा फास्ट पेट्रोल वेसल, जिसे आप लोग यहां पर देखते हैं ना इस तरीके की एक नाव आप लोग बोल सकते हैं, ये अभी हमारे द्वारा जो बेसिकली हैंड ओवर की गई, किसको ये की गई है हमारे द्वारा सेसल्स की, जो कोस्ट गार्ड है उसको। ये आप लोग एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग यहां पर देखते हैं अपनी प्यारी कंट्री यहां से देखिएगा, और ये है यहां पर सेसल्स। सेसल्स जो यहां पर अगर बात करें इसमें रुपी यूज की जाती है करेंसी, तो यहां पर सेसल्स जो रुपी है यहां पर यूज की जाती है। उसी के साथ में विक्टोरिया जो इसकी कैपिटल है और ईस्ट अफ्रीकन एक कंट्री है, तो इसको ये हेल्प प्रोवाइड कराई गई है हमारी कंट्री की साइड से। हाई लेवल वर्चुअल इंटरेक्शन देखने को मिला था दोनों कंट्री के लीडर में, जिसके चलते यहां पर ये हेल्प हमारे द्वारा इनको प्रोवाइड कराई गई है। ऐसा नहीं है पहली बार ऐसी चीजें हम लोग कर रहे हैं, यहां पर पास्ट में हम लोग दान धर्म करते रहते हैं। 2000
2005 में, 2014 में, 2016 में भी हमारे द्वारा इस तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड कराई गई है सेशल्स के लिए। इससे फायदा क्या रहता है, एंटी पायरेसी जो ऑपरेशन होते हैं, यानी कि अगर पता चला जैसे मूवी देखी ना समुद्री लुटेरे, ठीक है, तो उस तरीके की हरकतें कई बार देखने को मिलती है। कई सारे ऐसे एरिया होते हैं जहां पर जो इस तरीके से अटैक किए जाते हैं किसी कंट्री के सिप पर, और वहां से माल वगैरह जो है चुरा लिया जाता है जो भी उसमें लेकर वो जाते हैं, तो उसको रोकने की कोशिश यहां पर की जाएगी। इसी के साथ में कोलकाता बेस जो यहां पर गार्डन रीत सिप बिल्डर एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, उसके द्वारा ये बनाएगी, जो कि यहां पर अभी हैंडओवर की गई हमारी कंट्री के द्वारा। तो ये हमारी कंट्री में बुलटेक विसल था। इसी के साथ में इंडिया के द्वारा गिफ्ट की गई यहां पर 50,000 के करीब जो कोविशील्ड जो वैक्सीन है उसके डोज भी सेशल्स को, क्योंकि कोविड-19 की बीमारी ऑल ओवर वर्ल्ड को अपनी चपेट में ले रही है, तो वैक्सीन मैत्री करके भी हम लोग चीजें सपोर्ट प्रोवाइड करा रहे हैं अलग अलग कंट्री को। वो अलग बात है कि हमारी कंट्री भी कमी देखने को मिल रही है, पर फिर भी दूसरी कंट्री की हम लोग हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है बेसिक यहां पर एक जो पर्टिकुलर न्यूज जो याद रखिएगा। तो मैप बेस्ड भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, और यहां पर इसके बारे में हम लोगों ने जान लिया, गार्डन जो रीत सिप बिल्डर एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड इसके द्वारा यहां पर ये बनाया गया है, ओके। और ये आप लोगों ने देख लिया, आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट न्यूज है यहां पर, बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात की जा रही है। जो बाइडन जो कि 46th प्रेसिडेंट है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के, उनके द्वारा अभी रिसेंटली यहां पर सपोर्ट करने की बात की जा रही है पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को। ये वही एग्रीमेंट है जिससे डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है बाहर निकल गए थे, और उनके द्वारा तो ये बोला जाता था कि ना तो कोरोना जैसी कोई चीज है और ना ही इन्वायरमेंट जैसी कोई चीज होती है, सब कुछ छलावे हैं, इनसे दूर रहिए, ये इन्वायरमेंट अपने आप को ठीक कर लेता है, मतलब खराब करो तुम और इन्वायरमेंट ठीक करे अपने आप को अपने आप, तो ऐसी हरकतें देखने को मिलती थी। चलिए जो भी है, इंसान गया, थोड़ी सी बातें कमी होती है उसके बारे में, क्योंकि आजकल शांति में बैठा हुआ है अपनी गुफा में, देखते हैं कब आएगा बाहर निकलकर। अभी यहां पर फिलहाल ये बातें समझाने की कोशिश की जा रही है कि आज की डेट में अगर बात करें तो इसके चलते जो बाइडन साहब जो हैं ये इसको सपोर्ट करेंगे कि क्लाइमेट चेंज को कैसे कंट्रोल करके चलना है। तो यूएस जो है वो पुश कर रहा है काफी एम्बिशियस जो प्रोजेक्ट है, ताकि जो एमिशन है उसको भी कट किया जा सके, खुद के भी टारगेट यहां पर ये लेके चल रहे हैं। इनके द्वारा जो कंपेन में भी बोला गया था कि नेट एमिशन जो जीरो किया जाएगा इकोनॉमी के अंदर में 2050 तक का यूएसए के अंदर में, उसी के साथ में फॉसिल फ्यूल जो भी यहां पर कोयला वगैरह ये सारी चीजें यूज की जाती हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी में उसको एलिमिनेट किया जाएगा 2035 तक का, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी या फिर गैस के ऊपर ये फोकस देकर चलेंगे, जिसके चलते इनके द्वारा काफी बड़ा सपोर्ट भी बात की जा रही है। ग्रीन जो क्लाइमेट फंड है उसमें $3 बिलियन भी देने की बात यहां पर की जा रही है। तो इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जो कमिटमेंट किए गए थे पहले टाइम पर बराक ओबामा साहब के द्वारा क्लाइमेट चेंज को लेकर, उसी पाथ को और एग्रेसिव वे में फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं यहां पर जो बाइडन साहब। तो ये एक अच्छी पॉजिटिव साइड आप लोग यहां पर इसकी बोल सकते हैं। तो ये एक अच्छी साइड है यहां पर जो कि याद रखिएगा, और हमारी कंट्री के लिए फायदेमंद रहेगा। क्यों? क्योंकि देखिए हमारे जैसी कंट्री जहां पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट हम लोग ज्यादा फोकस नहीं करते हैं, तो यूएसए जैसी कंट्री से सपोर्ट मिल जाएगा तो आगे आने वाले टाइम में फायदा देखने को मिलेगा। तो ये भी एक पॉजिटिव साइड हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, इम्प्रिंट के बारे में मैंने बात की, इसका मतलब है इंपैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो इसको इम्प्रिंट बोला गया। ये एक नेशनल इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का हमारी कंट्री में। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का इनिशिएटिव है, पहली बात तो ये एड्रेस करेगा ऑल मेजर जो इंजीनियरिंग चैलेंज है रिलेवेंट टू द हमारी कंट्री में, खासकर सस्टेनेबल चीजें कैसे लेकर चलनी है, तो इसके ऊपर स्टडी करेगा ये पर्टिकुलर प्रोग्राम। इम्प्रिंट प्रोग्राम ज्वाइंट इनिशिएटिव है हमारी कंट्री में दो इंस्टीट्यूट का, एक तो है IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और दूसरा है IIS यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। तो दो हमारी कंट्री के सबसे बेहतरीन जो इंस्टीट्यूट हैं वो मिलकर यहां पर काम करेंगे, पर्टिकुलर कैसे रिसर्च कर किस किस फील्ड में, जैसे हेल्थ के फील्ड में हो गया, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन के फील्ड में, तो टोटल मिलाकर 10 ऐसे डोमेन हैं जिन पे ये काम करने वाले हैं, जिसमें मैंने बताया ना भी हेल्थ हो गया, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हो गया, एनर्जी हो गया, इसी के साथ में सस्टेनेबल हैबिटेट हो गया, नैनो टेक्नोलॉजी हो गया, नैनो टेक्नोलॉजी हार्डवेयर, वाटर रिसोर्स वगैरह, रिवर सिस्टम हो गया, एडवांस जो मटेरियल या फिर आप लोग बात करिए मैन्युफैक्चरिंग, सिक्योरिटी एंड डिफेंस, या फिर एनवायरमेंट और क्लाइमेट के बारे में बात करिए, तो कई सारी चीजें आप लोग यहां पर देखने को मिलेगी। तो बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहां पर ये काम कर रहे हैं इस तरीके से, जिसके बारे में एक मोटा मोटा सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग है, हल्का सा आइडियाज के बारे में आप लोगों को रहेगा, तो आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि किसका प्रोग्राम है, किस लिए प्रोग्राम है, और किसके द्वारा ये इंप्लीमेंट किया जाने वाला प्रोग्राम है, किन एरिया में इंप्लीमेंट किया जाने वाला प्रोग्राम है, कौन सी मिनिस्ट्री का प्रोग्राम है। तो कई सारी ऐसी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है बेसिकली ये है अफ्रीकन स्वाइन फीवर के बारे में। तो अफ्रीकन स्वाइन फीवर अभी रिसेंटली 276 के करीब जो पिग है इनके जो सुअर है उनकी डेथ हो गई हमारी कंट्री में। ये हुई है यहां पर लुंगली पर्टिकुलर जो डिस्ट्रिक्ट है मिजोरम के अंदर में। तो एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग यहां पर देख सकेंगे, ये है मिजोरम, ये वही राज्य है जब हमारी कंट्री में बोला गया था कि म्यांमार से जो लोग हमारी कंट्री में आ रहे हैं उनके लिए मनरेगा चलाओ ताकि उनको भी जॉब वगैरह मिल सके, और जब इनकी कंट्री में शांति हो तो तब वापस
हम लोग भेज देंगे, ठीक है। तो मिजोरम में यहां पर ये बीमारी अभी रिसेंटली देखने को मिल रही है, जिसके चलते ये पिक्चर में आ गई। स्वाइन इन्फ्लुएंजा या फिर स्वाइन फ्लू जो है, ये एक रेस्पिरेटरी डिजीज देखने को मिलती है पिक के अंदर में, जो कि यहां पर जो सांस की बीमारी नहीं होती बेसिकली, उसकी वजह से, तो एक इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से बीमारी फैलती है। तो पिग खासकर वाइल्ड पिग को भी और डोमेस्टिक पिग को भी इंपैक्ट कर रही है, जिसकी वजह से सुअर की जान जा रही है। और आप लोग समझ सकते हैं, खासकर जो पालतू सुअर होते हैं जिनको लोग पालते हैं, तो उनसे ये इंसानों में भी अगर कोई ऐसी बीमारी फैले तो फिर उसको जूनोटिक बीमारी बोल देते हैं। जूनोटिक शब्द याद रखिएगा, जूनोटिक बीमारी का मतलब होता है जब कोई बीमारी जो होती है जानवरों से इंसानों में फैलने लगती है, तो आप लोग उसको जूनोटिक डिजीज का नाम दे देते हैं। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग न्यूज थी, चार हम लोगों ने छोटी छोटी सी न्यूज देखी, आइए अब थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। तो थोड़ा सा अपना होने कहते हैं कि कमर कस लीजिए, अब थोड़ी डिटेल में न्यूज आने वाली है, ठीक है। इंटरनेशनल न्यूज के बारे में बात करते हैं, यहां पर बात की जा रही है क्लाइमेट जो फ्रेंडली डेवलपमेंट के बारे में। अभी देखिए यूरोपियन यूनियन जो है वो चाह रही है कि ऑल ओवर वर्ल्ड में किस तरीके से जो आज की डेट में जो अलग अलग कंट्री कोयला या फिर कोई भी फॉसिल फ्यूल जलाकर जो एनर्जी जनरेट करती है उसको रोका जाए। तो इसके चलते इनका पहला फोकस जो काफी बड़ा अभी देखने को मिल रहा है रिसेंटली, ये है यहां पर ये सपोर्ट प्रोवाइड करा रहे हैं यहां पर क्लाइमेट फ्रेंडली डेवलपमेंट के लिए साउथ एशिया के अंदर में। साउथ एशिया के अंदर में अगर बात कीजिए तो हमारी कंट्री भी आ जाती है, खासकर इंडिया भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। और दूसरी कंट्री आप लोग देख सकते हैं जो भी साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल कॉपरेशन के अंदर आती है, तो सार की सारी कंट्री आ जाती है, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये सब कंट्री, ठीक है। तो अभी यूरोपियन यूनियन जो है यहां पर ये स्ट्रेटजिक पार्टनर बनाना चाह रहा है साउथ एशियन एसोसिएशन, जो बेसिकली आसियान कंट्री है, साउथ ये है यहां पर एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन नेशन जो है। इसके बारे में अगर थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताऊं तो आसियान ग्रुप में टोटल 10 कंट्री हैं। एस्टेब्लिश किया गया था इसको 1967 में, जिसको बैंकॉक डिक्लेरेशन या फिर आसियान डिक्लेरेशन का भी नाम आप लोग बोलते हैं। स्टार्टिंग में इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड कंट्री थी, पर लेकिन आगे चलकर इसमें बुर्नोई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया जुड़ गया। याद रखिएगा म्यांमार जुड़ा 1997 में, इंपॉर्टेंट ये अलग से इसलिए क्योंकि म्यांमार में भी आप लोगों को तख्ता पलट देखने को मिला डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट का, तो क्वेश्चन कई बार ऐसे बन जाते हैं आप लोगों से। तो म्यांमार ने आसियान कंट्री को 1997 में ज्वाइन किया था, ये बेसिक चीज आप लोग याद रखना। इसमें भी हेल्प प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है इनके द्वारा, ताकि क्लाइमेट चेंज वगैरह या फिर दूसरे जो भी मुद्दे हैं उस पर मिलकर काम कर सके। लार्जेस्ट प्रोवाइडर ऑफ डेवलपमेंट असिस्टेंस आसियान रीजन यूरोपियन यूनियन यहां पर हेल्प कर रहा है यूरो देने के लिए इन्वायरमेंट प्रोग्राम के लिए। 5 मिलियन यूरो जो है आसियान स्मार्ट सिटी ग्रीन सिटीज इनिशिएटिव के लिए दिया जा रहा है इनके द्वारा, यानी कि किस तरीके से ग्रीन इनिशिएटिव लेकर चल रहे हैं आसियान कंट्री, ये आसियान कंट्री के अंदर उसमें हेल्प की जा रही है। अनदर 5 मिलियन जो यूरो है, यूरो जो करेंसी इसका सिंबल ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है, पाउंड के साथ में कंफ्यूज मत करना, उसका सिंबल ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, ओके। और हमारी कंट्री का तो आप लोग जानते हैं रुपी का सिंबल जो आप लोग देखेगा तो कोई कंफ्यूज होने वाली बात ही नहीं है, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखिएगा। अभी अगर इसके बारे में और डॉलर आप लोग देखते हैं, डॉलर का ये हो गया, ठीक है। अभी अगर बात की जाए यहां पर तो ये किस लिए काम कर रहे हैं, अनदर 5 मिलियन यूरो दे रहे हैं ताकि डिफोरेस्टेशन यानी कि जो एक तरीके से पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं उनको रोका जा सके। तो इसके चलते फॉरेस्ट लॉ एनफोर्समेंट जो यहां पर गवर्नेंस एंड ट्रेड देखने को मिला आसियान वाले रीजन में, तो इसमें भी ये काम कर रहे हैं यहां पर। इसी के साथ में अगर बात करें वर्क विद इंडिविजुअल आसियान मेंबर के साथ भी ये इको फ्रेंडली पॉलिसी में काम कर रहे हैं, जैसे कि थाईलैंड में बायो सर्कुलर ग्रीन जो इकोनॉमिक मॉडल है, सिंगापुर में ग्रीन जो प्लान 2030 है, तो कई सारे एरिया में काम किए जा रहे हैं। अब बाकी ये तो ये काम कर रहे हैं ताकि यहां पर फॉसिल फ्यूल वगैरह को रोका जा सके। इसके अलावा अगर आप लोग देखेगा साउथ एशिया एनर्जी जो डिमांड है वो बढ़ रही है, आने वाले टाइम में और बढ़ेगी, तो 60% तक बढ़ सकती है 2040 के अंदर में। तो कोयल फायर्ड जो एनर्जी है वो भी बढ़ेगी यहां पर, ठीक है। नेचुरल गैस तो इतनी अवेलेबल नहीं है, तो कोयला यूज किया जाएगा आसियान कंट्री के अंदर में। 2040 में बोला जा रहा है कि 50% के करीब जो रीजन है वो यहां पर जो बेसिकली प्रोजेक्ट करेगा कार्बन डाई एमिशन जो यहां पर देखने को मिलेगा। अगर 2019 के साथ में कंपेयर किया जाए तो यहां पर अभी पिछले डिकेड में अगर देखें 2019 से 2009 से 19 तक का अगर आप लोग टारगेट चेक करेंगे यहां पर, तो नजर आ जाएगा कि यहां पर लगभग काफी लार्ज स्केल पर लगभग बोला जा रहा है कि डबल के करीब यहां पर जो कंजप्शन इनका बढ़ गया कोयले को लेकर, आने वाले टाइम में और बढ़ेगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बोला इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, यानी कि यूरोपियन यूनियन तो यहां पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है ताकि यहां पर जो कोयले वगैरह वो कम किया जा सके और इन्वायरमेंट फ्रेंडली चीजों को लाया जा सके, पर लेकिन जो रिक्वायरमेंट है इस एरिया की उसमें यहां पर काफी लार्ज स्केल पर इनके द्वारा कोयले वगैरह को यूज किया जा रहा है ताकि चीजों को बढ़ाया जा सके, डेवलपमेंट किया जा सके। तो 2/3 राइज हुआ है अभी CO2 के एमिशन में यहां पर, 2.4 गीगाटन की बात की जा रही है अकॉर्डिंग टू साउथ एशिया एनर्जी आउटलुक, यानी कि काफी लार्ज स्केल पर यहां पर जो आउटलुक अभी देखने को मिल रहा है खासकर कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ये जो यूरोपियन यूनियन करना चाह रहा है उसके अपोजिट में चीजें नॉर्मली देखने को मिल रही है। अगर बात करें प्रॉब्लम क्या है, यूरोपियन यूनियन
स्टूडेंट फोर्स कर रहा है काम करने के लिए कि नहीं ऐसा करो ऐसा करना चाहिए तुमको, यानी कि बिग ब्रदर का रोल प्ले कर रहा है, ऐसा नहीं कि दोस्त के तरीके से काम कर रहा है, इसकी वजह से दिक्कत देखने को मिल रही है। और ये कई सारे रिलेशन में यहां पर चाइना इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर काम करते हैं, खासकर अगर बात की जाए यहां पर कोयले के फील्ड में या फिर इन फील्ड में, तो इसके चलते इनको भी दिक्कत देखने को मिलेगी इन कंट्री को। तो किसी को बोलना कि ये काम कर लो, ठीक है, और किसी को बोलना, जैसे मैं बोलता हूं मॉर्निंग में 4 बजे उठ जाओ, ठीक है, तो मैं आप लोगों को फोर्स नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि अगर आप लोग कंफर्टेबल फील करते हैं तो आप लोग अपना दिन अच्छे से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये आप लोगों का एक सजेशन हो गया कि हाँ यार ऐसा कर लो तो आप लोगों की लाइफ में काफी बड़े चेंज आप लोगों को आते हुए नजर आएंगे। पर लेकिन मैं बोलूं कि 4 बजे से 5 बजे उठकर ही आप लोगों को ये वीडियो देखनी है, और 5 बजे मैं इसको या तो प्राइवेट कर दूंगा या फिर ये वीडियो को मैं डिलीट कर दूंगा। तो ये हो गया फोर्स करना आप लोगों को सबको कि हाँ अगर आप लोग ये वीडियो देखना चाहते हैं तो 4 बजे से 5 बजे के बीच में ये अवेलेबल होगी, उसके बाद में प्राइवेट हो जाएगी, ठीक है, तो इसके बाद में आप लोगों को नहीं दिखेगी। तो इस तरीके से आप लोगों को फोर्स करने वाली बात होगी कि नहीं मॉर्निंग में उठ के ही वीडियो देखनी है और उसी घंटे में वीडियो देखनी है। तो बहुत सारे तो ऐसे होंगे जो अपनी आदत चेंज करने की कोशिश करेंगे, चलो उठ जाते हैं, बहुत सारे ऐसे होंगे छोड़ो यार क्या करना है देखें, ठीक है, तो दोनों कैटेगरी के लोग रहेंगे तो अलग अलग तरीके से यहां पर रिजल्ट निकल कर आएगा। पर लेकिन अगर इसको छोड़ दिया जाए और बस ये बोला जाए कि आप लोगों को बेसिकली गाइड किया जाए कि हाँ यार सुबह उठ जाओ अच्छा रहेगा आप लोगों की सेहत के लिए, जैसे बहुत सारे बच्चे मॉर्निंग में उठ रहे हैं, ठीक है, तो अपने दिन को एडवांस लेकर चलते हैं स्टार्ट करते हैं, तो इस तरीके से वहां पे आपको ये डिफरेंस नजर ही आएगा कि ये आप लोग खुद उस काम को कर रहे हैं, ना कि फोर्सफुली मैं आप लोगों से वो काम करवा रहा हूं, ठीक है, उसमें मजे ही कुछ और रहता है। एक तो है कि जबरदस्ती काम करवाया जा रहा है कि मजे में काम कर रहे हैं अपना, बस सामने वाले ने बोला कि ऐसा करके देखो फायदा होगा, ठीक है। देखिए दुनिया भर की मोटिवेशन वीडियो आप लोग सुनते होंगे, एक्सरसाइज करना है, सुबह जल्दी उठना है, ये करना है, वो करना है, पर लेकिन रियलिटी में खुद देखेगा पीछे मुड़कर कि दुनिया भर की वीडियो देखने के बाद में कितनी आप लोगों ने इंप्लीमेंट किए, तो उनमें से अगर 1% भी आप लोगों ने इंप्लीमेंट किया तो वो वीडियो फायदेमंद है, और अगर इंप्लीमेंट नहीं किया तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो इंप्लीमेंटेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, चीजें सबको पता रहती है, ये कोई नई बातें नहीं है, मैं आप लोगों को डेली बताता हूं सारी चीजें आप लोग जानते हैं, पर लेकिन कुछ परसेंट लोग जो है सुबह उठ के अपने को इंप्लीमेंट कर लेते हैं, अपनी चीजों को लेकर चलते हैं तो उनको फायदा हो जाता है। तो देखिए यही चीजें तो है जिंदगी में, आप लोगों को जो भी काम नॉर्मली जो फायदा पहुंचाता है वो काम आप लोगों को बोरिंग लगेगा कई बार, ठीक है, जैसे कि पानी पीना, ज्यादा पानी नहीं पीना है, सुबह उठना ज्यादा अच्छा नहीं, एक्सरसाइज करना ज्यादा अच्छा नहीं है, ठीक है, ये सारी चीजें आप लोगों का मन कहेगा ज्यादा अच्छा नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये मन को कंफर्ट जोन से बाहर निकाल के लेकर आती है। तो यही चीजें आप लोगों को फॉलो करनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहां पर इंडोनेशिया के बारे में बात करें तो इंडोनेशिया के ऊपर ऑलरेडी यहां पर इनके द्वारा प्रेशर डाला गया, जिसके चलते बोला गया कि इंडोनेशिया के अंदर जो पाम ऑयल रहता है वो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाता है, ठीक है, तो इनके चलते उसके ऊपर प्रतिबंध लगाए गए। तो यहां पर जो इंडोनेशिया को सपोर्ट किया मलेशिया के द्वारा, क्योंकि मलेशिया वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट पाम ऑयल प्रोड्यूसर है आफ्टर इंडोनेशिया, इंडोनेशिया सबसे ज्यादा पाम ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, तो इस तरीके से कई सारे रेजिस्टेंस भी निकल कर आ रहे हैं यूरोपियन यूनियन जो भी यहां पर हरकतें कर रहा है। तो ये सपोर्ट करना एक अलग बात है, पर लेकिन उसके ऊपर थोप देना कि हाँ ऐसा ही आप लोगों को करना है वो एक अलग बात है। ऑल्टरनेटिव आप लोगों के पास में होना चाहिए, तो ये कर लो या फिर आप लोग ये कर लो, तो वो ज्यादा बेटर तरीका है। तो यहां पर आप लोगों को क्या लग रहा है इसके बारे में कि यहां पर फोर्स करना चाहिए पैसे देते हुए इनको, या फिर ये करना चाहिए कि नहीं पैसे तो चलो दे देते हैं आपको, पर लेकिन आप लोग अपने हिसाब से इनको एंजॉय कर लो, ठीक है, तो उस तरीके की चीजें ज्यादा होनी चाहिए। तो आप लोग ये क्या राय है आप लोग जरूर बताना, तब तक आगे बढ़ते हैं। नेशनल न्यूज है यहां पर इससे बारे में जो बात की जा रही है, हमारी कंट्री में जो सोलर पीवी जो मॉड्यूल है उसके बारे में बात की जा रही है, फोटोवोल्टिक बेसिकली बोलते हैं पीवी, हमारी कंट्री में भी एक स्कीम चलाई जा रही है जिसको बोलते हैं प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम। तो ये अलग अलग एरिया में काम किए जा रहे हैं। हमारी कंट्री में ये स्कीम क्यों लाई जा रही है, ताकि मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हमारी कंट्री में बढ़ाई जा सके, कोई भी प्रोडक्ट हमारी ही कंट्री में बनाया जा सके और बाहर से हम लोग खरीद कर लेकर आना ना पड़े। आप बोलेंगे सर इसका क्या फायदा होगा, इसका फायदा ये होगा अगर कोई बना बनाया माल आप लोग बाहर से लेकर आते हैं तो देखिए आप लोग उस कंट्री के लोगों को इंप्लीमेंट दे रहे हैं, क्योंकि वहां पर वो माल बना उसकी कंट्री में पैसा जा रहा है हमारा, तो हमारी कंट्री का धन भी बाहर जा रहा है। पर लेकिन अपनी ही कंट्री में अगर हम लोग बनाते हैं तो हमारी कंट्री के लोगों को इंप्लीमेंट मिलता है, हमारी ही कंट्री के लोग बनाने वाले हैं मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं और हमारी ही कंट्री के लोग खरीदने वाले हैं, ठीक है, तो आप यहां पर इनको खरीदेंगे परचेज करेंगे तो दोनों हमारी ही कंट्री के लोग हो गए, तो हमारी ही कंट्री में आप लोगों को इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती नजर आएगी। तो इसीलिए जो गवर्नमेंट है वो सपोर्ट प्रोवाइड कराती है कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, यानी कि अगर कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट आप लोग बना रहे हैं तो गवर्नमेंट उसमें सपोर्ट प्रोवाइड कराएगी। तो इसी के चलते सोलर फोटोवोल्टिक में यहां पर बात की जा रही है, ये स्केल को इसको हाई लेवल पर लेकर चला जाए तो 4,500 करोड़ रुपए यहां पर प्रोवाइड कराए जाएंगे इसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, ठीक है। सोलर जो फोटोवोल्टिक जो मैन्युफैक्चरर यहां पर सेलेक्ट किया जाएगा ट्रांसपेरेंट कॉम्पिटिटिव बिडिंग के तहत, अगर कोई काम करेगा तो उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाएगा। इसी के चलते जो प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम है यहां पर ये 5 साल तक के यहां पर काम करती है आप लोगों को नजर आएगी, ताकि एफिशिएंसी बढ़ाई जा सके सोलर पैनल वाले फील्ड में। देखिए सोलर पैनल के ऊपर इतना फोकस क्यों दिया जा रहा है आप लोग ये बोलोगे, बहुत सारे फायदे हैं इसके, मुझे तो माइंड ब्लोइंग एक इन्वेंशन लगता है ये, वो कैसे,
आप लोग अगर कहीं पर इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाना चाहते हैं, जैसे पहाड़ी वाले इलाके में जाओगे, खंबे लगाने आसान नहीं होते हैं, लाइन खींचनी आसान नहीं होती है, कुछ नहीं करना है, ऊपर जाकर छतों पर प्लेट रख दो सबकी, आसानी से जिंदगी सबकी आसान हो जाएगी, ना कोई लाइन बिछानी है ना कोई खंबे गाड़ने हैं वहां पर जाकर, तो ये एक ऐसा तरीका है। तो इससे क्या होगा, जिन एरिया में, दूर दराज वाले एरिया में, जो ऐसे उबड़ खाबड़ वाले एरिया जहां पर हम लोग आराम से काम नहीं कर पा रहे हैं, वहां पर भी हम लोग काम कर पाएंगे। तो एडिशनल 10,000 के करीब मेगावाट आप लोग कैपेसिटी देखने को मिलेगी, तो इसके चलते काम रहेगा, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रहेगा यहाँ पर लगभग 17,200 करोड़ रुपए का, इसी के साथ में डायरेक्ट इंप्लॉयमेंट बोला जा रहा है 30,000 लोगों को मिलेगी, इनडायरेक्ट इंप्लॉयमेंट लगभग यहाँ पर 1,20,000 लोगों को मिलेगी। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है, मान लीजिए आज के डेट में मैं कोई एक इंस्टीट्यूट स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, उस इंस्टीट्यूट में मान लीजिए मैंने कई सारे बच्चे रख लिए, एक तो कुछ तो टीचर रख लिए 5-6 पढ़ाने वाले, ठीक है, उसमें इसी के साथ में कई सारे ऐसे रखेंगे जो कि वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि कोई सब अलग अलग काम करेंगे, कि वहां पर कुछ ऐसे भी होंगे कि हाँ साफ सफाई करने वाले भी होंगे, इसी के साथ में बहुत सारे ऐसे होंगे जैसे कि कोई एक आधा चाय बनाने वाला वहां पर रख लिया, तो इस तरीके से बहुत सारे लोगों को जॉब मिल गई, ठीक है। पर लेकिन ये जो इंस्टीट्यूट है इसके बाहर भी कई सारी ऐसी इनडायरेक्ट वे में जॉब क्रिएट हो जाएंगी। मान लीजिए यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, बाहर से हम लोग लेकर आ रहे हैं काफी कुछ, जैसे कि हम लोग किताब बाहर से प्रिंट करा करा कर किताबें लेके आ रहे हैं, ठीक है, तो जिस पे हम लोगों ने प्रिंट करवाई वो हो गया, बाहर कोई पड़ोस में बैठ गया एक फोटोकॉपी की शॉप खोलकर वो हो गया, ठीक है, पता चला नोट्स मार्केट में बेचे जा रहे हैं वो हो गया, तो इसके चलते इनडायरेक्ट वे में बहुत सारे लोगों को जॉब मिल जाती है, ठीक है, इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो डायरेक्ट तो वो जो इन हाउस काम करेंगे, इनडायरेक्ट वो जो एक्स्ट्रा लोग हैं जो बाहर काम करेंगे, तो इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इम्पोर्ट भी हमारा कम होगा यहाँ पर लगभग 17,500 के करीब करोड़ रुपए का पर ईयर, क्योंकि बाहर से खरीद कर लेकर आ रहे हैं अपनी कंट्री बना दे तो कम तो हो गई होगा, सीधी बात है। और अच्छी बात है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमारी ही कंट्री बढ़ेगा, तो बाहर की कंट्री के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी नहीं रहेगी, तो इस तरीके से आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम के बारे में कोई पूछे, खासकर फोटोवोल्टिक जो पर्टिकुलर इस फील्ड के अंदर, तो आप लोग मोटा मोटा आइडिया रख सकते हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज यहाँ पर रहेगी इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इंटरेस्टिंग है, ऐसी चीजें भी आप लोगों से कई बार पूछ ली जाती हैं। एक टर्म यूज किया जा रहा है यहाँ पर जिसको बोलते हैं लाइट हाउस। तो लाइट हाउस ये टावर जो है पुराने टाइम में यहाँ पर ये देखने को मिलती थी, फिर से यहाँ पर अभी इनको डेवलप किया जा रहा है। ये क्या काम करती है, जब ओशन के अंदर समुद्र के अंदर कोई नेविगेशन करता है तो एक तरीके से उसके लिए यहाँ पर ये डायरेक्शन का काम करता है, ठीक है। तो वाई इसको बेसिकली लाइट हाउस के नाम से आप लोग जानते हैं, तो इसी के बारे में यहाँ पर ये न्यूज अभी देखने को मिलेगी। स्टेट के अंदर उड़ीसा के अंदर 5 लाइट हाउस यहाँ पर अभी स्टोर करने की बात की जा रही है, और ये काम कौन कर रहा है, ये मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड जो वाटरवेज है वो यहाँ पर 65 के करीब लाइट हाउस यहाँ पर डेवलप कर रही है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की हेल्प से, ताकि यहाँ पर अभी आने वाले टाइम में जो कोस्टल एरिया उसमें अच्छा खासा डेवलपमेंट किया जा सके। तो 5 इनमें से उड़ीसा के हिस्से में आए हैं। तो सबसे पहले आप लोग उड़ीसा को एक बार देख लीजिए, लोकेशन कहां पर है उड़ीसा की। उड़ीसा हमारी कंट्री में एक ऐसा राज्य है जो कि बेओ बंगाल वाली साइड में देखने को मिलेगा, जिसकी कैपिटल भुवनेश्वर है। तो यहां पर इस पर्टिकुलर एरिया में ये लाइट हाउस बना रहे हैं। तो ये लाइट हाउस बनाने की बात की जा रही है। 5 कहां कहां पर है यहाँ पर, एक तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा यह फास्ट पॉइंट, दूसरा है पैरादीप लाइट हाउस, चौथा है यहां पर ये है गोपालपुर लाइट हाउस, चौथा यहां पर यह है चंद्रभागा लाइट हाउस, और 5वां यहां पर पूरी लाइट हाउस। इनके बारे में समझेंगे, पहले बेसिकली आप लोग चीजें समझिए। मिनिस्ट्री क्या चाहती है, मिनिस्ट्री चाहती है कि लाइट हाउस जो है वो ऐसे टूरिज्म हब की तरीके से डेवलप किए जा सके, और सागरमाला जो प्रोजेक्ट है हमारी कंट्री का, जिसके चलते जो कोस्टल एरिया है लगभग 7,516 किलोमीटर का हमारा कोस्टल एरिया, मतलब जब आप लोग बोलते हैं ना कि हमारी कंट्री कोस्टल एरिया, तो ये वाला जो एरिया है पेनिनसुलर वाला एरिया, पेनिनसुला क्या होता है, जो 3 एरिया से पानी से घिरा होता है, तो इस एरिया के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो इस तरीके से अपनी कंट्री का मैप देखने को मिलता है, तो इस वाले एरिया के बारे में बात की जा रही है। तो 7,516 किलोमीटर के करीब कोस्टल लाइन है, तो उसको मॉडर्नाइज करना है, उसको मैकेनाइज करना है, कंप्यूटराइज करना है, तो उसको हम लोग डेवलप कर रहे हैं। तो 2015 में ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था, जिसको सागरमाला प्रोग्राम हम लोगों ने बोला, तो उसी के तहत यहां पर ये लाइट हाउस को प्रोजेक्ट डेवलप किया जा रहा है। इंडिया में बोला जा रहा है कि 189 के करीब लाइट हाउस जो है डॉट वो फाइंड किए गए, जिसके चलते कुछ अंडमान निकोबार वाले एरिया में, बे बंगाल वाले, लक्षद्वीप, अरेबियन सी, तो सारे एरिया में जो कोस्टल एरिया है वहां पर हम लोग इसको इंप्लीमेंट करेंगे। कोस्टल एरिया फिर से मैंने बोला, एक बार आप लोग समझ ही लीजिए। देखिए यहां पर अंडमान निकोबार वाला एरिया हो गया हमारा ये, ठीक है, लक्षद्वीप वाला एरिया हो गया ये, कोस्टल एरिया हो गया। टोटल 9 राज्य ऐसे हैं जो कोस्टल राज्य हैं, जैसे एक गुजरात हो गया, दूसरा महाराष्ट्र हो गया, तीसरा गोवा हो गया, चौथा कर्नाटक हो गया, 5वां केरला हो गया, 6ठा तमिलनाडु हो गया, 7वां ये यहाँ पर आंध्र प्रदेश हो गया, 8वां ये यहाँ पर उड़ीसा हो गया, और 9वां हो गया वेस्ट बंगाल। तो टोटल 9 राज्य ऐसे हैं जिनको हम लोग शानदार तरीके से डेवलप कर सकते हैं, लाइट हाउस वगैरह यहाँ पर डेवलप किए जा सकते हैं, ठीक है। तो इसी के चलते यहाँ पर ये चीजें देखने को मिल रही है। अब जो 5 उड़ीसा में, इनके बारे में जान लेते हैं। पहला बोला गया यहाँ पर फॉल्स पॉइंट, तो ये लाइट हाउस देखने को मिलेगा आप लोगों को, यह केंद्रपारा कोस्ट। तो ये ब्रिटिश एरा में भी यहाँ पर चीजें आप लोगों को देखने को मिलती थी, और ये मैसिव मैंग
मैंग्रोव जो होते हैं, दलदली जो फॉरेस्ट होते हैं, वो ये पर्टिकुलर देखने को मिलेगा। और यहाँ पर क्रोकोडाइल वगैरह भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं, तो एडवेंचर प्लेस के तरीके से भी देखा जाता है ईस्टर्न कोस्ट में, ठीक है। दूसरा यहाँ पर जो पैरादीप लाइट हाउस है, यहाँ पर ये बेसिकली बोला जा रहा है कि जो कटक है उड़ीसा के अंदर भुवनेश्वर है, वह लगभग 100 किलोमीटर के करीब यहां पर है, और ये 1980s में इसको कमीशन किया गया था, तो पोर्ट एरिया में डेवलपमेंट का काम करेगा। नेक्स्ट यहां पर बोला जा रहा है गोपालपुर लाइट हाउस, यहां पर ये आप लोगों को लोकेलिटी देखने को मिलेगा गंजाम डिस्ट्रिक्ट। तो इसमें चिल्का लेक वाला जो एरिया है ना, ये खासकर गोपाल जो बीच है, गोपालपुर बीच, ये यहां पर अट्रैक्शन का केंद्र बन सकते हैं टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। चंद्रभागा लाइट हाउस के बारे में बात की जा रही है, तो कोणार्क टेंपल का नाम याद रखिएगा, ये इस पर्टिकुलर एरिया के बारे में बात की जा रही है। और ये पर्टिकुलर वो वाला भी एरिया है जहां पर काफी लार्ज स्केल पर, जैसे सुपर साइक्लोन हो गए कई सारे, यहां पर सुपर साइक्लोन 1990 फाइलिन आया 2013, फैन जो आप लोगों को फैनी देखने को 2009 में, कई सारे ऐसे साइक्लोन भी आए, ठीक है। पुरी लाइट हाउस के बारे में बात करें तो यहाँ पर 4 किलोमीटर लगभग देखने को मिलेगा, जो श्री जगन्नाथ पुरी का जो टेंपल है, जो कि 12th सेंचुरी का काफी पुराना टेंपल है, टूरिस्ट के लिए काफी बड़ा डेस्टिनेशन है। तो ये लाइट हाउस यहाँ पर डेवलप किए जा रहे हैं, ठीक है। कौन कर रहा है फिर से याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ जो पोर्ट एंड शिपिंग एंड वाटरवेज है, ये यहाँ पर ये काम कर रही है। ये कौन है मिनिस्ट्रीज के आप लोग ये बताइए बस यहाँ पर, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन है, पता होना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे जानते हैं कई इंटरेस्टिंग बातें। मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट के बारे में बात की जा रही है। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है, मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट जो है वो किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है, तो आरबीआई जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है हमारा, उसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है। मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी है यहाँ पर ये डिसाइड करती है। तो जो रेपो रेट है 4%, रिफरेंस रेपो रेट 3.35%, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट 4.2%, इसी के साथ बैंक रेट 4.25%, ग्रोस जो रियल ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ये इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा, 10.5% ग्रोथ इनके द्वारा बोला गया है हमारी कंट्री के लिए। तो आरबीआई के द्वारा बेसिकली यहां पर कॉन्टिन्यूसली अकोमोडेटिव स्टैंड बना रखने की कोशिश की गई है, क्योंकि कोविड 19 के चलते काफी खस्ता हालत हो रखी है, जिसके चलते इनके द्वारा सपोर्ट प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है। कई सारी और बातें यहां पर बोली गई है। अकोमोडेटिव स्टैंड का मतलब क्या होता है कि इंजेक्ट करना मनी फाइनेंशियल सिस्टम के तहत, ताकि सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके प्रॉपर वे में। इनके द्वारा कंज्यूमर जो प्राइस इंडेक्स जो इन्फ्लेशन है, इनके जो महंगाई है, उसका एस्टिमेशन भी यहां पर लगाया गया। अगर बात करें हमारी कंट्री में टोटल मिलाकर 4 क्वार्टर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। पहला क्वार्टर जो होता है यहाँ पर वो स्टार्ट होता है अप्रैल से, तो अप्रैल मई जून, दूसरा जुलाई अगस्त सितंबर, तीसरा अक्टूबर नवंबर दिसंबर, चौथा जनवरी फरवरी मार्च, तो 3-3 महीने के 4 क्वार्टर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो 4 क्वार्टर में, एक एक क्वार्टर में जो 3 महीने होते हैं, उसमें इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई कैसे रहनी है उसके बारे में बात की जा रही है। तो अगर क्वार्टर फोर्थ जो गया अप्रैल से पहले वाला, यानी कि जनवरी फरवरी मार्च, तो ये लास्ट क्वार्टर था यहाँ पर 2020 का, उसमें 5% इन्फ्लेशन रहा। क्वार्टर फर्स्ट में एस्टिमेशन लगाया जा रहा है 5.2 रहने वाला है, जो कि यहाँ पर चलेगा अप्रैल मई जून, ठीक है। इसी के साथ में 5.2 रहेगा क्वार्टर टू में, ठीक है। जुलाई अगस्त सितंबर 4 में 3 में रहेगा यहाँ पर, जो अगस्त सितंबर के बाद में अक्टूबर नवंबर दिसंबर में रहेगा 4.4, ठीक है। जनवरी फरवरी मार्च 2021 में ये आप लोगों को देखने, 2022 में आप लोगों को देखने को मिलेगा 5.1, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर इन्फ्लेशन का जो टारगेट रहने वाला है ये लगभग इतना बोला जा रहा है, यानी कि महंगाई जो है अभी यहाँ पर कुछ ना कुछ हद तक कंटिन्यू रहने वाली है। तो ये अभी सिचुएशन देखने को मिलेगी, जो कि इसके द्वारा यहाँ पर रिवाइज एस्टिमेशन लगाया गया आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। आरबीआई जो है यहाँ पर ये सपोर्ट प्रोवाइड करा रहे हैं लगभग 50,000 करोड़ की ऑल इंडिया फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो है हमारी कंट्री में, जैसे कि नाबार्ड के बारे में बात कर लीजिए, तो नेशनल बैंकिंग फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट करेगा और गांव वाले एरिया का डेवलपमेंट करेगा। तो इसके चलते यहां पर स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा रही है यहां पर 25,000 करोड़ रुपए 1 ईयर के लिए। ये देखिए क्या करते हैं, जैसे यहां पर नाबार्ड को पैसा मिला, तो नाबार्ड क्या करेगा यहां पर, जैसे एग्रीकल्चर में जो अलाइड एक्टिविटी है, रूरल नॉन फार्म या नॉन बैंकिंग जो फाइनेंशियल कंपनीज है या माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, इनको दे देगा। यानी कि एक तरीके से यहां पर ये डायरेक्ट जनता को पैसा नहीं देता नाबार्ड वगैरह, ये यहां पर एक तरीके से ये दूसरे जो छोटे-छोटे जो एरिया हैं, बैंक वगैरह हैं जो काम कर रहे हैं पर्टिकुलर एरिया में, उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, ताकि वो आगे चलकर पैसा पहुंचा सके। ऐसे ही नेशनल हाउसिंग बैंक के लिए 10,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, जो कि आगे चलकर यहां पर सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा हाउसिंग सेक्टर के लिए। स्मॉल इंडस्ट्री और जो यहां पर डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसको सिडबी के नाम से जानते हैं, 15,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, ताकि जो छोटे छोटे लघु उद्योग हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, उनको फायदा पहुंच सके। तो इस तरीके से 3 फैसिलिटी अवेलेबल करी जाएंगी, जिसके चलते यहां पर प्रिवेल किया जा सके प्रॉपर वे में हमारी कंट्री में। पॉलिसी रेपो रेट जो है 3 फैसिलिटी के लिए यहां पर एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि हमारी कंट्री में जो ये एरिया डेवलप करने की बात की जा रही है, इनमें पैसा प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो इससे जैसे लोगों के पास से पैसे गए तो फिर कुछ ना कुछ खरीदेंगे, कुछ ना कुछ मार्केट में डिमांड रिक्वायरमेंट होगी, तो फिर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी बढ़ेगी, तो उसके चलते अच्छे खासे लेवल पर जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती नजर आती है, ठीक है।
तो इसके चलते अगर बात करें यहाँ पर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के बारे में भी, इसका मतलब क्या होता है कि आप लोगों को इन एरिया में लैंड करना है। यानी कि पैसा तो मैंने आप लोगों को, मान लीजिए पैसा दे दिया मैंने आप लोगों को 10,000 रुपए, ठीक है। 10,000 रुपए देने के बाद मैं बोलूँ कि प्रायोरिटी क्या है कि 10,000 रुपए में से आप लोगों को कम से कम 5,000 रुपए जो है वो खर्च करने हैं उन एरिया में जहां पर ट्राइबल कम्युनिटी के लोग रहते हैं या बहुत गरीब सेक्शन रहते हैं, उनके लिए किताब वगैरह प्रोवाइड करा देना, कुछ कपड़ा वगैरह उनको दे देना। तो ये तरीके से 5,000 जो रुपए हैं वो अपने हिसाब से आप लोग देख लीजिए जहां पर आप लोग खर्च करने हैं, यानी कि जहां पर आप लोगों को लगता है कि दिक्कत है सोसाइटी में वहां पर खर्च कर सकते हैं। तो इस तरीके से प्रायोरिटी में 5,000 दे दिया, 5,000 में छूट दे दी। तो इस तरीके से प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग होती है कि हाँ एग्रीकल्चर में इतना लोन देना है तो इतना ही देना है, ऐसा नहीं कि सारा लोन जो है आप लोग कॉर्पोरेट हाउस को दे दे, एग्रीकल्चर को तो लोन ही नहीं मिलेगा। तो इसके चलते यहां पर अभी जो है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग वाला जो है 6 महीने का एक्सटेंशन दे दिया गया यहां पर, सितंबर 30 तक का 2021 तक का, जिसके चलते चीजों को आगे लेकर चला जा सकेगा। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के लिए कंट्रीब्यूशन जो भी रहता है इकोनॉमी के अंदर में उसको बढ़ाया जा सकेगा। तो इसके चलते खासकर जो ये रहेगा ये ऑन लैंडिंग का काम बोला गया यहाँ पर। ऑन लैंडिंग का मतलब क्या होता है, ये बेसिकली काम क्या करते हैं, ये काम ये करते हैं कि एक तरीके से बिचौलिया वाला काम करते हैं, थर्ड पार्टी यहाँ पर। यानी कि मान लीजिए पैसा दे दिया किसी को, ए ने पैसा दिया बी को और बी फिर पैसा दे रहा है कस्टमर को, ठीक है, इस तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। यानी कि ए से पैसा गया बी के पास और बी से पैसा जा रहा है कस्टमर के पास में, ए डायरेक्ट कस्टमर को नहीं दे रहा है। तो ऑन लैंडिंग का मतलब होता है कि बीच में यहाँ पर तीसरा कोई काम करेगा, डायरेक्ट ये पैसा प्रोवाइड नहीं कराएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटी चलती है पूरी कंट्री के अंदर। बैंकिंग सिस्टम एक मीडियम होता है जिसमें आप लोग अपना पैसा डालते हैं और फिर वहां से आगे चीजें बढ़ती रहती हैं। तो बेसिक चीजें एक मोटा मोटा सा आइडिया रख सकते हैं इसके बारे में। आगे चलते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। ये न्यूज मुझे पर्सनली बड़ी प्यारी लगी, इसके बारे में समझने के लिए आप लोग पहले यहां पर आइए डायरेक्ट। ये बात की जा रही है इंटरनेशनल क्वाइट ओशियन एक्सपेरिमेंट के बारे में। इंटरनेशनल क्वाइट ओशियन एक्सपेरिमेंट, इसको IQOE बोला गया, इंटरनेशनल यानी कि जो शांत समुद्र है उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना। यानी कि समुद्र के अंदर अगर मैं आप लोगों से पूछूं कैसी कैसी आवाजें आप लोगों को देखने को मिलती हैं, तो पहला बोला गया है जियोफोनी। जियोफोनी का मतलब होता है जैसे कोई अर्थक्वेक आ गया, कोई वेव आ गई, कोई बबल आ गया, उसकी वजह से जो आवाज निकल के आती है समुद्र के अंदर से उसको बोलते हैं जियोफोनी। दूसरा हो गया यहाँ पर बायोफोनी, यानी कि बायो यानी कि जीव, यानी कि लाइफ, जो भी उसके अंदर क्रिएचर है, मछली, केंडा, केकवा, कुछ भी ऐसी चीजें आप लोगों को निकल के आती है, कछुआ वगैरह, ये सारी चीजें। तो ये सारी चीजें जो भी यहां से निकल कर आती है, जो आवाज निकालती हैं, ठीक है, तो वो यहां पर होती है बायोफोनी। तीसरा होता है एंथ्रोफोनी। एंथ्रोफोनी यानी कि इंसानों के द्वारा जो हरकतें की जाती है, हवाई जहाज वगैरह चलाए जाते हैं समुद्र के ऊपर, उसकी वजह से जो आवाजें निकल कर आती हैं, तो उसकी वजह से जो दिक्कतें देखने को मिलती हैं, तो वो सारी बातें हैं। तो बोला यह गया कि अभी रिसेंटली यहां पर रिड्यूस नॉइस पॉल्यूशन ऑन सरफेस, COVID-19 के चलते हुआ क्या था, बेसिकली COVID-19 के चलते इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है काफी डाउन हो गई थी, तो समुद्र के सरफेस पर जहाज वगैरह भी चलने काफी हद तक बंद हो गए थे। तो इसके चलते जो जियोफोनी है और जो बायोफोनी है, यानी कि जो खुद की आवाज है समुद्र की लहरों की, समुद्र की वेव की, या फिर जो इसके अंदर जीव जंतु रहते हैं उनकी आवाज काफी लार्ज स्केल पर, ध्वनि जो है वो बाहर सुनाई दी, काफी लंबे समय तक यहां पर ये एक्टिविटी चलती रही। तो ये स्टडी किसके द्वारा की जा रही है, IQOE के द्वारा स्टडी की जा रही है। प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था 2015 में और ये 2025 तक का चलने वाला है। 10 साल तक ये स्टडी कर ये देखेंगे कि इसका क्या इंपैक्ट पड़ रहा है जो एंथ्रोपोजेनिक जो एक्टिविटी इंसानों के द्वारा की जाती है, जिसके चलते यहां पर एंथ्रोफोनी यानी कि जो आवाज निकल कर आती है जहाज चलते हैं, तो वो सारी चीजें, तो कैसे यहां पर क्या चीजें देखने को मिलती है। तो इसके चलते यहां पर ये डेटा को इकट्ठा कर रहे हैं और उसके बारे में फिर स्टडी करेंगे। देख कई सारी बातें आप लोगों को देखने को मिलेगी। अगर मान लीजिए पानी के अंदर जैसे कि कोई मछली है या फिर कोई दूसरा यहाँ पर जीव जंतु है, वो अपना खाना ढूंढता है, ठीक है, इसी के साथ में एक दूसरे के साथ में बातें भी करते हैं, ठीक है, इसी के साथ में एक दूसरे के साथ में मिलते हैं, फिजिकल रिलेशन बनाते हैं, तो उनसे फिर यहाँ पर इनके बच्चे पैदा होते हैं, तो वहां पर पूरा जीवन चक्र चलता है। पर लेकिन ये जो जीवन चक्र की लाइफ है इनकी काफी थिन आउट हो रही है। रीजन क्या है, रीजन ये कि इतना ज्यादा डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है, कभी भै भै पै पै वहां पर कोई ना कोई जहाज आता जाता रहता है, तो इसके चलते यहां पर ना तो ये खाना ढूंढ पाते हैं, उसमें भी इनको दिक्कत होती है, इनकी जो लाइफ है जो एक दूसरे के साथ में मिलने वाली, फिजिकल रिलेशन बनाने वाली जो चीजें वो भी प्रॉपर वे में नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में जो समुद्र के अंदर जो चीजें पाई जाती हैं उनमें काफी कमी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये सारी एंथ्रोफोनिक जो इंटरफेयर है उसकी वजह से यहां पर देखने को मिल रही है। यानी कि जब COVID-19 था, जियोफोनी और बायोफोनी काफी लार्ज स्केल पर बढ़ गई थी, जिसकी वजह से काफी अच्छा खासा डेवलपमेंट देखने को मिल रहा था समुद्र के अंदर में। पर लेकिन जब से फिर से ये COVID-19 कम हुआ और फिर से यहां पर जहाज वगैरह चलने स्टार्ट हो गए, तो नेचुरल जो कंपोनेंट है वो खत्म हो जाता है और फिर इनकी आवाज आने लगती है, तो इसके चलते यहां पर ये दिक्कतें देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो ये कई सारी ऐसी प्रॉब्लम है जो कि हम लोग काउंट भी नहीं करके चलते हैं और ये एक ह्यूज इंपैक्ट डालती है, तो इनको हम लोग को कम से कम अंडरस्टैंड करना चाहिए। तो काफी एक अच्छा एक्सपेरिमेंट आप लोग बोल सकते हैं, मुझे पर्सनली तो काफी अच्छा लगा कि कम से कम इन चीजों के बारे में हम जैसे लोगों को पता तो चल रहा है, वरना हमारी जिंदगी कट जाती है ऐसी, पता नहीं चलता कि ऐसी भी कोई चीजें देखने को मिलती हैं। तो ये एक अच्छा एक्सपेरिमेंट आप लोग बोल सकते हैं।
इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में यहां पर बात करते हैं। तो हालांकि कई बार बता चुका हूं, इंडिया और यूएसए के रिलेशन के बारे में यहां पर बात की जा रही है, थोड़ा सा रिवीजन फिर से आप लोगों का हो जाएगा। अभी यूएसए के द्वारा यहां पर इनका जो यूएसए का 7th फ्लीट था उसके द्वारा अनाउंस किया गया, यूएस जॉन पॉल जोन्स GDDG-53 यहां पर ये फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन इनके द्वारा लाया गया। ठीक है, तो 7th फ्लीट जो था यहां पर, ये फर्स्ट टाइम यहां पर हमारी कंट्री वाले एरिया में देखने को मिला। कब के बाद में? 1971 के बाद में, जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई चल रही थी, तो यूएसए जो था पाकिस्तान के पखवाड़े में खड़ा हुआ था, तो उस टाइम पर यहां पर ये आमने सामने आकर खड़ा हुआ था ये फ्लीट। पर लेकिन फिर से इनके द्वारा फ्रीडम ऑफ नेविगेशन का नाम लेकर हमारी कंट्री का जो इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन है उसमें से अपना ये जहाज निकाला गया और बोला गया कि जो इंडिया आज के डेट में यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज जो यहां पर फॉलो करता है 1982 के, उसके हिसाब से इंडिया ने ज्यादा एरिया कैप्चर कर रखा है, उसको हम लोग नहीं मानते हैं, यूएसए ने ये बोला। पर लेकिन इंडिया ये बोला है कि यार तुम मानो चाहे ना मानो, हम इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से काम करते हैं, आगे से कोई भी मिलिट्री का इस तरीके का कोई एक्सपेरिमेंट आप लोग करोगे तो हमसे परमिशन लेकर ही आप लोग ये करोगे, वरना ये सही नहीं होगा। तो देखिए, यूएसए जो है ऐसी चीजें बार बार इस तरीके से करते हैं, वो यहां पर चेक एंड बैलेंस करते रहते हैं, वो तो खुद तो इसको मानता नहीं है, तो चेक करते रहते हैं कि हाँ कैसे कैसे लोगों को यहां पर एक तरीके से होने नॉर्मल तरीके से, कई सारे लोग देखेंगे दूसरे की जिंदगी में उंगली करते रहते हैं, तो उसी तरीके यहां पर ये हरकतें करता है। इवन हमारे साथ नहीं, ये चाइना के साथ भी बड़ी फ्रिक्वेंटली करता है, इसी के साथ में ये हरकतें साउथ कोरिया के साथ में, जापान के साथ तक को नहीं छोड़ता ये, तो ऐसी हरकतें बार बार की जाती है। पर पहली बार इनके द्वारा प्रॉपर डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया गया कि देखिए हम चाहते हैं कि कोई भी ऐसा फंडा ना बने कि हाँ ये उसका ओशन है, ये उसका ओशन है, ओशन सबके लिए फ्री रहना चाहिए। ठीक है, इसीलिए यहां पर ये चलाते हैं फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन, ताकि ओशन फ्री रहे, कोई ये ना बोले कि ये मेरा ओशन है या फिर उसका ओशन है, और चीजें प्रॉपर वे में चलती रहे, तो उसको हम लोग फोकस करना चाहते हैं। अगर देखा जाए तो बातें इनकी भी सही है, पर लेकिन फिर वही बात है, अगर आप लोग इसको डिवाइड नहीं करोगे तो फिर यहां कोई और आकर यहां पर अपना दादागिरी दिखाएगा, तो वो भी फिर सही है। तो दोनों ही तरीके से बैलेंस बनाना जरूरी है, पर लेकिन इंटरनेशनल लोग को तो कम से कम मानो भाई, जो इंटरनेशनल लोग बने हुए हैं, तो उनको नहीं मान रहे हो तो फिर यह गलत बात है। ठीक है, हेल्थ के बारे में यहां पर बात की जा रही है, तो यहां पर जो निकल कर आया इसका जो नाम रखा गया, इसका नाम है यहां पर अनामया। ठीक है, अनामया क्या है यहां पर, तो क्वेश्चन बन जाएगा, अनामया है ट्राइबल मिनिस्ट्री का एक एक्सपेरिमेंट जिसमें ट्राइबल हेल्थ कोलैबोरेटिव किया जा रहा है, यानी कि ट्राइबल कम्युनिटी की हेल्थ को सही कैसे रखा जा सकता है उसके ऊपर काम किया जाएगा इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के तहत। 2018 में एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा रिलीज की गई एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट जिसमें ट्राइबल हेल्थ के बारे में इंडिया के अंदर हाईलाइट की गई चीजें, तो उसी के चलते यहां पर ट्राइबल की जो हेल्थ है, कई बार आप लोगों ने देखा होगा उस पर्टिकुलर रीजन में कई सारे बच्चों की जान चली गई ट्राइबल कम्युनिटी के, तो उन सब चीजों से भी हम लोग को थोड़ा सा ध्यान रखकर चलना पड़ेगा, तो इसके चलते ये प्रोग्राम देखने को मिल रहा है। कोविड 19 के बारे में बात करें तो हम लोग अपने ऊपर तो ध्यान रख रहे हैं, क्या हम लोगों को पता है ट्राइबल कम्युनिटी के लोगों को भी कोविड 19 हो रहा है, तो उनके बारे में थोड़ा सा काम करना चाहिए। तो जो इनिशिएटिव है यहां पर गवर्नमेंट, इसी के साथ में फिलैंथ्रोपिस्ट क्यों होते हैं, जो अच्छा खासा पैसा लाइफ में कमा चुके हैं, अब दूसरों की हेल्प में पैसा लगा रहे हैं। ठीक है, नेशनल और इंटरनेशनल जो एक तरीके से फाउंडेशन है, नॉन जो गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, कम्युनिटी बेस्ड जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये सारी यहां पर मिलकर काम कर रही है। इसी के साथ में अगर बात करें, एंड करने की बात की जाती है प्रिवेंटेबल डेथ, जिन डेथ को हम लोग रोक सकते हैं, जैसे मैं बोलूं कि रोड एक्सीडेंट में आज के में हमारी कंट्री में 1.5 लाख के करीब लोगों की जान जा रही है। ठीक है, अगर ये 1.5 लाख जो है अगर हम लोग प्रॉपर वे में अगर रूल और रेगुलेशन बनाए और सही तरीके से जहां जहां पर प्रॉब्लम है उनको टैकल करें, तो इन जान को हम लोग रोक सकते हैं जाने से। ठीक है, हालांकि गवर्नमेंट के द्वारा टारगेट भी रखा गया है कि इसको 75,000 तक लेकर आना है। कब तक का टारगेट है यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे का, कि 1.5 लाख को घटाकर 75,000 का टारगेट रखा गया है। क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता चुका हूं कई बार, इसका रिविजन आप लोग कर लीजिए। आगे बात करते हैं यहां पर ये हेल्थ और न्यूट्रिशन को कैसे बढ़ाएंगे ट्राइबल कम्युनिटी के लिए, सस्टेनेबल और हाई परफॉर्मिंग हेल्थ सिस्टम इनका होना चाहिए। इसी के साथ में हाई जो हेल्थ चैलेंज जो फेस किए जाते हैं ट्राइबल पॉपुलेशन के द्वारा, वो आप लोग अंडरस्टैंड करने पड़ेंगे। अब नॉर्मल जो लोग हैं ट्राइबल को, तो दूर की बात है, नॉर्मल लोगों को अब तक फैसिलिटी हम लोग ढंग से नहीं प्रोवाइड करा पा रहे हैं, तो ये किस तरीके से यहां पर फैसिलिटी प्रोवाइड कराएंगे वो देखने वाली बात होगी। अच्छी बात क्या है यहां पर, एक तो यहां पर बात की जा रही है पीरामल फाउंडेशन और दूसरा है बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन। तो बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के बारे में तो आप लोग जानते हैं, बिल गेट्स और उसकी वाइफ के द्वारा ये फाउंडेशन है, ये फिलंथ्रोफिक एक्टिविटी करने के लिए इनके द्वारा बनाई गई है ऑल ओवर वर्ल्ड में। अब बात करें पीरामल फाउंडेशन, पीरामल यहां पर एक ग्रुप है हमारी कंट्री में जो कि बेसिकली हेल्थ एजुकेशन लाइवलीहुड और यूथ एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करते हैं, एम्पावरमेंट के बारे में, तो ये चार एरिया है जिसमें ये काम करते हैं। तो इनका जो टारगेट है अभी मिलकर ये 10 साल तक का काम करने वाले हैं, लगभग 177 के करीब जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है उनको रिकॉग्नाइज किया गया है, जहां पर हम लोग यहां पर हेल्थ से रिलेटेड इनकी एक्टिविटी चलाएंगे ताकि इनकी हेल्थ को ध्यान में रखा जा सके। तो ये है बेसिक इसके बारे में इंफॉर्मेशन, आई होप कि आप लोग समझ पाए होंगे कि क्या है अनम्या। ठीक है, तो याद रखिएगा कौन सी मिनिस्ट्री है, कौन कौन मिलकर काम कर रहे हैं, क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाएगा, कंफ्यूज मत होना। ओके, आगे चलते हैं।
पॉलिटी के बारे में बात करते हैं। देखिए अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पिटीशन पहुंची और सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे उनको गुस्सा आ गया कि क्या फालतू का काम चल रहा है, क्या कैसी कैसी चीजें हमारे सामने लेकर आ रहे हो। तो सुप्रीम कोर्ट में बोला कि फ्री टू चूज देयर रिलीजन, हर एक पर्सन के पास में हक है कि वो अपना रिलीजन चूज कर सके। एक्चुअली था क्या, एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी कि पीआईएल यानी कि एक पब्लिक पिटीशन गई यहां पर इंटरेस्ट में पब्लिक के कि हमारी कंट्री में रिलीजन कन्वर्जन किया जा रहा है मास बेसिस पर, किसी को ब्लैक जादू टोना ये सुपरस्टिशन या फिर कोई अलग अलग एक्टिविटी करके किसी को फोर्स कर किसी को ब्राइब देकर रिलीजन कन्वर्ट किया जा रहा है हमारी कंट्री में। तो कई सारे लोग जो है यहां पर अपना धर्म जो है वो कन्वर्ट कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन गई और बोला गया यहां पर सुप्रीम कोर्ट को कि आप लोग इंटरफेयर करो कि इस तरीके से कोई रिलीजन कन्वर्ट ना करें। तो जस्टिस रोहिंगटन एफ नरीमन जो थे वो चिल्लाकर पड़े, उनके द्वारा बोला गया कि बेवकूफ हो गए हो क्या, ये एसीसी पिटीशन लेकर यहां पर आ रहे हो। अरे हर एक पर्सन के हाथ में हक है उसका अपना खुद का रिलीजन फॉलो करने के लिए, तो कौन के साथ में कौन सा रिलीजन फॉलो करना है, कौन सा लाइफ पार्टनर चूज करना है, ये उनकी पर्सनल लाइफ है, उनको ये चूज करने दो। उनको अगर बाप बताओगे उंगली पकड़कर चलाओगे क्या, उनको बच्चे थोड़ी ना है, 18 साल से ऊपर के हो चुके हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन रहे हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली सांसद और विधायक चुन रहे हैं, अपनी जिंदगी को लेकर चल रहे हैं आगे, उनको ये नहीं पता है कौन सा रिलीजन फॉलो करना है उनको, तो ये गलत तरीका है। इस तरीके से आप लोग एसएससी पिटीशन लेकर यहां पर मत आया करो। तो ये बातें यहां पर बोली गई। तो एक तरीके से जो ये इनके द्वारा बोला गया, कोर्ट जो है वो यहां पर इन चीजों के लिए नहीं बैठा है कि आप लोग का रिलीजन क्या होना चाहिए, आप लोग का पार्टनर क्या होना चाहिए, नहीं, कोर्ट यहां पर ये बैठा है कि अगर कोई आप लोगों के फंडामेंटल राइट का हनन करता है ठीक है, तब आप लोगों को यहां पर देखना पड़ेगा। तो रिलीजियस फेथ जो है फंडामेंटल है और ये राइट टू प्राइवेसी के भी साथ में है, कौन क्या रिलीजन फॉलो कर रहा है आप लोग क्यों इंटरफेयर कर रहे हो उसमें, तो उसका पर्सनल रिलीजन है उसको फॉलो करने दो, अपने हिसाब से उसकी राइट टू प्राइवेसी है और प्राइवेसी और लाइफ और डिग्निटी ये सारी आर्टिकल 21 के साथ में जुड़कर राइट टू लाइफ के साथ में कनेक्ट हो जाती है, तो क्यों आप लोग इन चीजों के अंदर इंटरफेयर कर रहे हो। आर्टिकल 25 खुद बोलता है कि फ्रीडम है, अपना खुद का रिलीजन फॉलो कर सकते हैं, अपने चीजों को लेकर आगे बढ़ सकते हैं, तो ये ऑलरेडी हमारे संविधान में फंडामेंटल की कैटेगरी में रखा गया है, तो ये गलत तरीका है इस तरीके से किसी के इन चीजों में इंटरफेयर करना। तो ये तमाम बातें यहां पर इनके द्वारा की गई, वो भी फटकार लगाने के साथ में ठीक है। तो इसलिए कोर्ट में जाओ तो अच्छी अच्छी चीजें लेकर जाओ, फालतू की चीजें नहीं, ऐसा भी बोला गया इनके द्वारा। तो ये है यहां पर आज का डिस्कशन, मैं आशा करता हूं शानदार तरीके से आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। कुछ भी डाउट रहता है ना तो बता दिया करो ठीक है, कोई दिक्कत रहती है सर ये दिक्कत है ऐसे कुछ भी, तो उसको फिर डिस्कस कर लिया करेंगे ठीक है। तो ये था आज का नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा डिस्कशन, तो देख लेते हैं क्या क्या डिस्कस किया। तो सबसे पहले तो एक इंपॉर्टेंट कोटेशन ही देखिए, तीन हम लोगों ने इंपॉर्टेंट डे डाले, वर्ल्ड चागास डिजीज, इसी के साथ में हम लोगों ने भीमराव अंबेडकर जी के बारे में जाना और नेशनल डॉल्फिन डे के बारे में जाना ठीक है। आगे बात करें तो शॉर्ट न्यूज हम लोगों ने देखी चार जो कि काफी इंपॉर्टेंट थी, सिस्टर्स के बारे में समझा, दूसरा यहाँ पर बाइडेन के बारे में जाना, ये हम लोगों ने चीजें देखी। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर ये इम्प्रिंट के बारे में जाना, ये चीजें समझी। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर क्लाइमेट फ्रेंडली डेवलपमेंट के बारे में चीजें जानी जो आप लोगों ने काफी अच्छे से समझी। इसी के साथ में नेक्स्ट हम लोगों ने बात की यहाँ पर नेशनल न्यूज के बारे में, सोलर फोटोवोल्टिक इन सब चीजों के बारे में। इसी के साथ में स्टेट न्यूज के बारे में हम लोगों ने बात की यहाँ पर, ये लाइट हाउस के बारे में, पहले जिसको व्हाइट हाउस भी बोल दिया था, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या रहने वाली है, कहां कहां पर क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहे हैं वो समझा। साइंस एंड टेक के बारे में चीजें जानी, नॉइस पोल्यूशन जो बड़ी ही प्यारी न्यूज मुझे पर्सनली लगी वो समझा। इंडिया और यूएसए में क्या चल रहा है रस्साकसी वो समझी। यहां पर ट्राइबल कम्युनिटी की हेल्थ के बारे में प्रोग्राम था वो समझा और यहां पर ये रिलीजन के बारे में चीजें देखने को मिली। तो ये था टोटल डिस्कशन। अब क्वेश्चन के आंसर दीजिए, इम्प्रिंट की फुल फॉर्म और कौन सी मिनिस्ट्री है ये आप लोगों को बताना है। कौन से राज्य में यहाँ पर अभी अफ्रीकन स्वाइन जो फीवर है उसकी वजह से लोगों की जान, सॉरी सुअर की जो जान गई यहाँ पर पिग्स की, ये आप लोगों को बताना है। साउथ एशिया में हेल्प कौन कर रहा है यहाँ पर, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन काफी अच्छे लेवल पर, मलेशिया के बाद मलेशिया से पहले सबसे बड़ा जो पाम ऑयल प्रोड्यूसर कौन सा है ये आप लोगों को बताना है। तीन साउंड के बारे में बात की गई, किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है, IQOE की फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है। कौन सा प्रोग्राम है यहाँ पर ट्राइबल हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए, कौन सा आर्टिकल फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में बात करता है ठीक है। आइए कल का रिवीजन जरूर कर लेते हैं। देखिए कल का रिवीजन इनके लास्ट वाला डे का रिवीजन जरूर आप लोग किया कीजिए ताकि एग्जाम में आप लोग कंफर्टेबल फील करें ठीक है। सबसे पहले बात की जा रही है यहाँ पर अप्रैल 13 जो है यहाँ पर, ये ईयर बताना है जिसमें जलियांवाला बाग कांड मैसेकर हमारी कंट्री में देखने को मिला। E9 कंट्री के बारे में बात की जा रही है, तो ये एजुकेशन को सपोर्ट करने की बात करें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कौन सा है जो एजुकेशन के बारे में बात करते हैं। ओपीएम पॉपी स्टो हमारी कंट्री में यहां पर उगाया जाता है ओपीएम, तो तीन राज्य का नाम बताना है, एक का उत्तर प्रदेश नाम मैंने बता दिया, दो के नाम आप लोग बताइए। होम्योपैथी से रिलेटेड कन्वेंशन देखने को मिला, तो CCRH और कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आया ये बताइए। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। 2008 में मुंबई टेरर अटैक देखने को मिला,
उसके बाद में एनआईए की रेट की गई, कौन सा एक्ट था ये बताना है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हमारी कंट्री कितना है ये बताना है। 2020 में इंडिया के द्वारा यहां पर बोला गया, 2020 में इंडिया में लगभग 50 अगर मोस्ट पोल्यूटेड सिटी आप लोग वर्ल्ड में देखेंगे तो 35 जो है हमारी कंट्री में है। रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत की गई, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में बन सकता है, तो इनके आंसर पता होने चाहिए, तो स्कोर जरूर लिखा लीजिए इसका खासकर, ठीक है, ताकि आप लोग भी खुद को चेक कर सको। इंसिडेंट के बारे में बात करें तो 1919 में देखने को मिला यहाँ पर ये जलियांवाला बाग मैसेकर, इसके बारे में याद रखेगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्वालिटी, ये गोल 4 है जिसके बारे में बात करते हैं, क्वालिटी एजुकेशन के बारे में बात करते हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में ओपीएम हमारी कंट्री में उगाई जाती है। होम्योपैथी जो बेसिकली ये रोड मैप देखने को मिला तो न्यू दिल्ली में यहाँ पर काउंसिल, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च एंड होम्योपैथी और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर में आता है, इसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया। एनआईए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर में आती है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी 2008 का यहाँ पर ये आप लोगों को एक्ट देखने को मिलेगा। हमारी कंट्री में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी कि पर 1000 बच्चे जो पैदा होते हैं कितनों की जान चली जाती है, तो 33 आप लोगों को देखने को मिलेगा। 2020 के बारे में अगर बात करें तो हमारी कंट्री से रिलेटेड अगर पोल्यूशन के बारे में बात करें, IQ एयर वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट में बोला गया कि 50 में से 35 सिटी इंडिया से आती है जो कि पोल्यूशन फैलाती हुई काफी लार्ज स्केल पर, ठीक है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया होगा। अगर लगता है लेक्चर अच्छे से एंजॉय किया तो पीडीएफ यहां से जाकर डाउनलोड कर लेना। ए कैंडल लूज नथिंग बाय लाइटनिंग द अनदर कैंडल, देखिए अगर आप लोग आज के में देखेगा तो अगर आप लोग किसी की हेल्प कर देंगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। लर्निंग इज प्राइसलेस, अगर लर्निंग जो है वो बेसिकली एक तरीके से, ये नहीं कह रहा हूं कि पैसा नहीं है पर, लेकिन हाँ एक बात है कि आप लोगों को ये एक ऐसी चीज है कि आप लोगों को इसको हमेशा सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि पैसे से ज्यादा भी कुछ चीजें मैटर करती है। हाँ अपनी जिंदगी चलाने के लिए आप लोग चलाइए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक बच्चे के द्वारा बोला गया सर अगर फ्री में कर, अगर फ्री में काम करना स्टार्ट कर देंगे तो खाएंगे क्या, तो एक बच्चे के द्वारा ये बात बोलेगी यार, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोग कमाना नहीं है, कमाना है, आप लोगों को भी अपनी लाइफ को अच्छे से लेकर चलना है, पर लेकिन कमाना इस तरीके से कि आप लोगों की भी लाइफ प्रोडक्टिव होती रहे और दूसरों की भी लाइफ प्रोडक्टिव होती रहे। भीख थोड़ी ना मांगनी आप लोगों को सड़कों पर चल के, वो थोड़ी ना बोलो, अपने भी पैरों पर खड़ा होना और दूसरों की भी हेल्प करनी है। तो अगर आप लोग ट्यूशन पढ़ाना चाहते हैं तो कम से कम मान लीजिए कोई 1000 रुपए ले रहा है तो आप लोग 250 रुपए में पढ़ा दो, तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है, उसको इतना अफोर्डेबल कर दो ताकि लोगों तक वो चीजें पहुंचने लगे, ताकि लोग उसको आराम से पैसा दे सके, तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं, थोड़ा बहुत आप लोग इस तरीके चीजों को लेकर चल सकते हैं। तो मेरा मकसद, मैं बेसिकली ये नहीं बोलता हूं कि यार इस तरीके से मत समझा करो चीजों को, फ्री में इस तरीके से आप लोग अपनी, थोड़ा कि आप लोगों ने मान लिया एजुकेशन ली तो आप लोगों को भी अपना घर चलाना है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप लोगों को अपना बेसिकली नुकसान कर दूसरों को फायदा पहुंचाना है। अपना पहले अपना अपने आपको एस्टेब्लिश कर लीजिए और फिर दूसरों की हेल्प कीजिए, ये बेसिकली पर्पज रहता है, ठीक है। तो आप लोग दूसरों को अगर पढ़ा, अगर मान लीजिए कहीं आप लोग जॉब कर रहे हैं अलग से तो आप लोग दूसरों को पढ़ा सकते हैं आराम से, अगर आप लोग की अर्निंग कहीं और से आ रही है, अगर कहीं और से अर्निंग नहीं आ रही है तो आप लोग पढ़ा सकते हैं, वहां से कम पैसा ले लीजिए थोड़ा सा, ज्यादा बच्चों को पढ़ा लीजिए थोड़ा सा, ठीक है, तो वहां से आप लोग अपना खर्चा निकाल सकते हैं, तो इस तरीके से बेसिकली रहते हैं। मेरे साथ में आप लोग ट्विटर, फेसबुक पर और यहाँ पर इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट रह सकते हैं। अगर आप लोग को लगता है कि यहाँ पर अच्छी चीजें शेयर की जाती है तो उनको दूसरों के साथ में शेयर करा करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा सोसाइटी को हम लोग कनेक्ट कर सकें, और जब भी कुछ आप लोगों को नया सीखने को मिलता है तो दूसरों तक उसको जरूर पहुंचाइए। तो बी हैप्पी, शेयर एंड हेल्प ईच अदर। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा, तब तक के लिए जय हिंद।